मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान श्रीपाद यशो नायक जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर, पुरस्कार पाने वाले सभी साथी, आयुष अभियान से जुड़े हुए सभी प्रोफेशनल्स, अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, देश में फिट इंडिया मूवमेंट उसकी शुरुआत के अगले ही दिन आयुष और योग से जुड़े कार्यक्रम में आना मैं मानता हूं एक अद्भुत संयोग है। आयुष और योग फिट इंडिया मूवमेंट के बड़े मजबूत पिलर है। साथियों, आज यहां तीन कार्यक्रम हुए हैं, दो हमारी परंपरा, हमारी विरासत के पुरस्कार और सम्मान से जुड़े हैं और एक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। आज हरियाणा में 10 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को लॉन्च किया गया है और इसके लिए मैं हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री आजकल हरियाणा के गांवों में यात्रा चल रही है उनकी, और लगातार वो कठोर परिश्रम कर रहे हैं और उसका परिणाम मैं देख रहा था कि बोल ही नहीं पा रहे हैं, आवाज खराब हो गई। ये हम लोगों का प्रोफेशनल हजार है। चुनाव के दिनों में मुझे भी इस मुसीबत से गुजरना पड़ता है, लेकिन एक रहस्य मैं बता दूं, योग, प्राणायाम और आयुर्वेद, ये तीनों का मैं भरपूर उपयोग करता हूं और उसी के कारण मेरी गाड़ी चल जाती है। तो हरियाणा में भी अब आयुष के वेलनेस सेंटर शुरू हुए हैं। मैं मनोहर लाल जी को कहूंगा कि जरा गले को ठीक करवाइए वहां जाके। मुझे योग के साधकों, योग की सेवा करने वालों, दुनिया भर में योग का प्रचार प्रसार करने वाले साथियों और संस्थाओं को पुरस्कार सौंपने का मौका भी मिला है। इनमें इटली और जापान के भी साथी हैं जो दशकों से योग के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। एंटोनिएटा रोंजी, उन्होंने बीते 4 दशकों से पूरे यूरोप में सर्व योग इंटरनेशनल के जरिए योग के प्रचार प्रसार में एक प्रकार से 100% डेडिकेशन, बहुत बड़ा योगदान किया। इसी तरह जापान योग निकेतन के पूरे जापान में हजारों योग केंद्र हैं और ये संस्था भी करीब करीब 40 साल से जापान को योग से निरोग रखने का महान काम कर रही है। पुरस्कार पाने वाले सभी साथियों को
मैं बधाई देता हूं और उनकी ये सेवाएं, उनका ये मिशन समाज जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाने में बहुत ही सफलता प्राप्त करें, इसकी मैं कामना करता हूं। कुछ देर पहले आयुष पद्धति को समृद्ध करने वाली 12 महान हस्तियों के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया है। ये वो साथी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के उपचार में लगा दिया। किसी ने योग को माध्यम बनाया तो किसी ने आयुर्वेद को, किसी ने यूनानी से जनसेवा की तो किसी ने होम्योपैथी से लोगों के जीवन को रोग मुक्त किया। मैं डाक विभाग को विशेष रूप से बधाई दूंगा और दो कारण से। डाक टिकट कोई मोदी प्राइम मिनिस्टर बना उसके बाद थोड़ी निकल रही है, डाक टिकट तो पहले से चल रही है। भारत आजाद हुआ उसके पहले से डाक विभाग चल रहा है, लेकिन परंपरा ऐसी बनी है कि बड़े बड़े नाम हो, टीवी पे चमकते हो, नेता कहे जाते हो, तो डाक टिकटें उन्हीं की बनती है। आयुर्वेद के लिए खप जाने वाले की भी डाक टिकट हो सकती है क्या? और ये यही तो बदला हुआ हिंदुस्तान है। और दूसरी महत्व की बात, एक ही सेट में 12 डाक टिकट इतनी बड़ी मात्रा में एक ही साथ कभी भी नहीं होता है, बहुत रेयर कुछ ओकेजन होंगे। आज एक पूरा आयुष का परिदृश्य और परंपरा इनको समाहित करने का एक प्रयास डाक विभाग ने किया है। मैं डाक विभाग को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसको जब कंसेप्चुअलाइज किया इस विचार को, तब हमारे मनोज सिन्हा जी मिनिस्टर थे, तो वो नीचे बैठे हैं। मुझे विश्वास है कि पोस्टल स्टैंप आयुष के प्रति देशवासियों में नई सोच को विकसित करने में मदद करेंगे। भाइयों और बहनों, आज जो डाक टिकट जारी किए गए हैं उनमें एक की तरफ मैं ध्यान दूंगा। वैसे त्रिगुणा जी का तो परिवार ही यहां मौजूद है और कई जिनके डाक टिकट उनके परिजन यहां, आज उनके भी दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, लेकिन एक मैं उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। उसमें एक डाक टिकट है दिनशो मेहता जी का। अब ये नाम चर्चा में बहुत कम आता है, लेकिन दिनशो मेहता जी गांधी जी के पर्सनल फिजिशियन थे और वो नेचुरोपैथी को समर्पित थे। पूरी तरह अपना जीवन की हर चीज में नेचुरोपैथी सबसे पहले रहती थी और उसका प्रभाव गांधी जी के जीवन पर भी था। और गांधी जी कहते थे कि प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा जीवन जीने का तरीका है। यह किसी इलाज का तरीका नहीं है,
ये इस बात में बहुत बड़ी ताकत है जो गांधी जी ने कही है। उन्होंने ताउम्र इस बात पर अमल किया और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को जीवन का आधार बनाया। साथियों, गांधी जी ने जो सीखा था उसके पीछे भारत की प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर से जुड़ी एक समृद्ध विरासत रही है। हमारे पास हजारों वर्षों पुराना लिटरेचर है, वेदों में गंभीर बीमारियों से जुड़े इलाज की चर्चा है, लेकिन दुर्भाग्य से हम अपनी इस पुरातन रिसर्च को, ज्ञान के इस खजाने को आधुनिकता से जोड़ने में इतने सफल नहीं हो पाए। और इसी स्थिति को बीते 5 वर्षों में हमने लगातार बदलने का प्रयास किया है। उसकी एक सेंटिटी बने, उसका एक साइंटिफिक वर्जन तैयार, जो लैब के अंदर तराशा गया हो, जिसको मेडिकल साइंस की दुनिया समझ सके, इस रूप में उसका प्रस्तुतीकरण हो। और इसी के तहत आयुष को भारत के हेल्थ केयर सिस्टम का अहम हिस्सा बनाने पर बल दिया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि आयुष परिवार में सोवा रिक्पा सिस्टम को शामिल किया गया है और हमारा जो लेह लद्दाख है वहां पर अब उसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेंटर विकसित किया जा रहा है। आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इसके बाद सोवा रिक्पा आयुष परिवार का 6ठा सदस्य हो गया है। और इस इनिशिएटिव के लिए भी मैं मंत्री जी को और उनके विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, अगर भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है, स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, तो हमें होलिस्टिक सोच के साथ काम करना होगा। पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। साथियों, आयुष्मान भारत योजना इसी सोच का परिणाम है। इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को ध्यान में रखते हुए हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं और दूसरी तरफ गंभीर बीमारी के मुफ्त इलाज के लिए पीएम जन आरोग्य योजना चलाई जा रही है, पीएम जय। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रिवेंटिव और अफोर्डेबल हेल्थ केयर का एक अनूठा और अभूतपूर्व मॉडल है। इन सेंटर्स में प्रिवेंशन के भी उपाय हैं और क्योर की भी व्यवस्था है। साथियों, जब हम देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोल रहे हैं तो आयुष को भी हमने हमारा को ट्रैवलर बनाया है, साथी बनाया है, हम उसको भूले नहीं हैं। देश भर में 12,500 आयुष सेंटर बनाने का भी लक्ष्य है, जिसमें से आज 10 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का उद्घाटन जो कि हरियाणा के लिए किया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का मुझे मौका मिला और वहां भी बहुत बड़ी तादाद में हरियाणा के उत्साही लोग मुझे नजर आ रहे हैं।
हमारी कोशिश है कि ऐसे 4000 आयुष सेंटर 12,000 में से 4000 इसी वर्ष हम कर देना चाहते हैं। एक तिहाई काम इसी वर्ष करने का इरादा है और 12,000 का मतलब होता है कि करीब करीब हर ब्लॉक में एक बन जाएगा। जहां तक अफोर्डेबिलिटी की बात है तो आयुष्मान भारत ने गरीब से गरीब व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास दिया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जितने मरीजों को अब तक मुफ्त इलाज मिला है वो अगर इसके दायरे में न होते तो उन्हें, देखिए आयुष्मान भारत योजना ने कैसा कमाल किया है और अभी तो समय ज्यादा नहीं हुआ है जी, जिन लोगों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ लिया है, अगर ये योजना न होती और उनको इसी प्रकार की मुसीबत से निकलने के लिए ट्रीटमेंट लेनी पड़ती तो हमारे देश के इन गरीब परिवारों के 12,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ होता। 12,000 करोड़ रुपए एक प्रकार से देश के लाखों गरीब परिवारों के 12,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। और हमारे देश में पता नहीं माहौल ऐसा है कि अगर आज मोदी ने 12,000 करोड़ की कोई योजना गरीबों के लिए घोषित कर दे तो अखबारों में कल हेडलाइन छप जाएगी कि मोदी ने 12,000 करोड़ रुपया। इस सहज व्यवस्था से 12,000 करोड़ रुपया बच जाए, गरीब बीमारी से बाहर आ जाए, परिवार में गरीबी से लड़ने की ताकत आ जाए, उस तरफ किसी का ध्यान जाता नहीं है। जब मूलभूत परिवर्तन होते हैं वो तुरंत, न उसकी कोई ग्लैमर होती है, न कोई बड़ी तामझाम होता है और न ही तुरंत उसकी वाहवाही होती है, इसलिए नजर नहीं आता है। लेकिन कितना बड़ा परिणाम आता है ये इस प्रयास से नजर आएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आयुष्मान भारत जैसी योजना नहीं थी तब गरीबों को इलाज के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इलाज का खर्च उन्हें और गरीब बना देता था। साथियों, प्रिवेंशन और अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ देश में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से काम चल रहा है। दो दिन पहले ही सरकार ने देश भर में 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का भी फैसला लिया है। हमारी कोशिश है देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लक्ष्य की तरफ हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ ही एमबीबीएस की करीब 16,000 सीटें बढ़ेगी। और अभी अभी हमने जो नेशनल मेडिकल कमीशन का कानून पारित किया है पार्लियामेंट में, देश में मेडिकल एजुकेशन और इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में ये नई कानूनी व्यवस्था बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। साथियों, सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन ही नहीं, आयुष की शिक्षा में भी अधिक और बेहतर प्रोफेशनल्स आए, इसके लिए आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। विशेष तौर पर जिस प्रकार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है वो आयुष को भविष्य के लिए तैयार करने में बहुत मदद करेगा। आयुष ग्रिड का आइडिया पूरे देश में, जैसे वन नेशन वन टैक्स है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड है, उसी प्रकार से अब
पूरे देश में आयुष ग्रिड करने का आइडिया ये भी बहुत प्रशंसनीय है। इससे आयुष से इस विषय के साथ जुड़े हुए अनेक जो साइलोस हैं, टुकड़ों में बिखरा हुआ जो माहौल है, इन सबको एक कर करके एक होमोजीनियस व्यवस्था इसको बनाने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। भाई और बहनों, आयुष का, मेडिकल का जो ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है उसके लाभ भी व्यापक है। हेल्थ केयर के साथ साथ ये भारत में रोजगार निर्माण का बहुत बड़ा जरिया साबित हो रहा है। विशेष तौर पर छोटे छोटे गांवों, कस्बों, टीयर टू टीयर थ्री शहरों के युवा साथियों, उनको मेडिकल और पैरामेडिकल एजुकेशन घर के पास ही मिलने की संभावना बनी है। नए अस्पताल बनने से मेडिकल से जुड़ा एक पूरा इकोसिस्टम यहां डेवलप हो रहा है। इनमें कम पढ़े लिखे युवाओं से लेकर डिग्री डिप्लोमा धारक युवा साथियों को भी रोजगार के नए इस अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। भाई और बहनों, आज जब हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, तब आयुष की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। आने वाले कुछ सालों में भारत में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मार्केट का भी बहुत विस्तार होने वाला है। यह बहुत बड़ा अवसर है। हमें अपने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम को पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षक ब्रांड के रूप में विकसित करना होगा। दुनिया के 17 देशों के साथ हमने जो समझौते किए हैं, अभी हमें इसमें और गति लाने की जरूरत है। साथियों, योग तो आज पूरे विश्व में जीवन का अहम हिस्सा हो चुका है। और मजा यह है कि कोई योग को क्वेश्चन नहीं करता है, सब कन्विंस है हां ये सही रास्ता है। ये छोटी बात नहीं है जी। आज आप किसी से योग की बात करो, वो इतना कहेगा भाई मैं नहीं कर सकता, मेरा तो शरीर काम नहीं करता है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि रास्ता गलत है, कोई नहीं कहेगा आपको। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जी। हिंदू दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो भाषा भी नहीं जानता है, भारत के विषय में कोई अता पता नहीं है, वो भी अगर जो योग की बात आती है तो लगता है अच्छा होता मैं जुड़ जाता। यानी सदियों से हमारे महापुरुषों ने इस एक विधा को लेके जो समर्पण किया है, उस समर्पण ने दुनिया के वेलनेस में कितना बड़ा कंट्रीब्यूट कर पाता है, इसका आज हम गर्व के साथ संतोष ले सकते हैं। बीते 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में जो उत्साह योग के लिए दिखा है वह अभूतपूर्व है। और मेरा तो क्या हो गया है कि मैं दुनिया में कहीं पर भी जाता हूं, कितना ही बड़ा लीडर हो, बात की शुरुआत योग से ही होती है। शायद ही कोई लीडर होगा जिसने मेरे साथ 5-10 मिनट योग के संबंध में बातचीत करने में न खपाई हो। कुछ लोगों ने जानना चाहा है, कुछ लोगों को मैंने बाद में लिटरेचर भेजा है, कुछ लोग अब अपने आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अभी अभी थोड़ा बदलाव आया है। अभी मैं भूटान गया था तो योगा के बदला मैन वर्सेस वाइल्ड का डिबेट जरा ज्यादा हो रहा था। आज योग वेलनेस के साथ साथ दुनिया को भारत के साथ जोड़ने का भी बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। यानी योग की एक नई डेफिनेशन अब उभर करके आई है। योग शरीर मन बुद्धि आत्मा को तो जोड़ता था, अब योग दुनिया को भी जोड़ता है।
अब हमें योग के अलावा आयुष की दूसरी विधाओं को भी दुनिया भर में पहुंचाने के लिए प्रयास करना है। और मैं यहां बैठे हुए उसी दुनिया के लोग हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, योग ने खिड़की खोल दी है, दरवाजा खुलने में देर नहीं लगेगी। और योग के पीछे पीछे आयुर्वेद भी चलेगा, होम्योपैथी भी चलेगी, नेचुरल सब कुछ घुस जाएगा। आपके दिल दिमाग में पूरी दुनिया होनी चाहिए, और दुनिया जो भाषा में समझे उस भाषा में वहां जाने का तरीका ढूंढना चाहिए। बहुत दिन अपने अपने आप को सिकुड़ करके रखा है जी, वक्त बदल चुका है, दुनिया इंतजार कर रही है, चलिए निकल पड़िए। साथियों, अपनी पुरानी परंपराओं को भुला देना और फिर कोई दूसरा बताए तो उसे नए सिरे से सीखना, इस आदत को भी हमें बदलना है। हल्दी, मैं हैरान हूं जी, हम लोगों के जीवन में हल्दी हर उपचार में है, लेकिन हमें तो उसका मूल्य तब तक नहीं था जब तक कि दुनिया ने हल्दी पर पेटेंट कराना शुरू न किया। यानी कहीं बाया किसी देश से कुछ चीज आती है तब हमको ध्यान होता, अरे यार ये तो हमारे यहां ऐसे ही घरों में होता है। हमने इस आदत से बाहर आना, हमें अपनी चीजों पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, और दुनिया को जीतने का ये तरीका है, इस बात को लेकर के चलना भी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज हम देखते हैं कि जिस भोजन को हमने छोड़ दिया उसको दुनिया ने अपनाना शुरू कर दिया। जो जौ हो, ज्वार हो, रागी हो, कोदो हो, सामा हो, बाजरा हो, सामा हो, कुछ लोगों को तो नाम भी मालूम नहीं होंगे, ऐसे अनेक अनाज पहले हमारे जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था, खान पान का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन वक्त बदल गया, हम लोग आउटडेटेड लगने लगे, भय रहता था कि ये खाएंगे तो यार दुनिया को कैसे लगेंगे, ये तो पुरानपंथी है, ये बेकार है, उसको तो नई चीज आती नहीं है, कुछ समझता नहीं, ऐसे ही मानेंगे, तो हमने छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे हमारी ये सारी चीजें थालियां से गायब होती गई। ये घर में शायद बनाना भी अब तो नहीं आता होगा कई परिवारों को। इस खान पान गरीब, और दूसरा हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने हर चीज में अमीरी गरीबी का भेद कर दिया, और इसलिए इस थाली को भी ये खाएं मतलब गरीब, उसको टैग लगा दिया, तो फिर मैं गरीब नहीं हूं ये कहने के लिए भी उसने थाली छोड़ दी। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक, इतना बड़ी विकृति हमारे यहां आई है। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम देख रहे हैं इस पोषक आहार की पूरी दुनिया में डिमांड है। आजकल जब हम ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर जाते हैं तो अक्सर हैरान हो जाते हैं, जिस अनाज को कोई फ्री में लेने के लिए भी तैयार नहीं होता था वो सैकड़ों रुपए किलो के हिसाब से आज दुनिया के लोग ढूंढ रहे हैं। हम अब हमारे बिहार की तरफ आप जाएंगे, वहां के सारा मखाना है, अब आज धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो रहा है, लोगों को लगता है भाई कैल्शियम है, आयन है, तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। अब धीरे धीरे उसकी, अब हमारा काम है कि उसका ग्लोबल मार्केटिंग कैसे हम खड़ा करें, पैकेजिंग बढ़िया कैसे करें, और उसको जो भाषा में समझ आता है कैसे समझाएं। मैं समझता हूं कि बहुत सी बातें हैं, अब समय आ गया है कि न्यूट्रिशन के इस खजाने को फिर से भरा जाए, देश को मिलेट रिवॉल्यूशन पर काम बढ़ाना होगा, किसान मिलेट उगाएं और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हमारे उद्योग
उनसे ऐसे आकर्षक प्रोडक्ट तैयार करें जो हर पीढ़ी को पसंद भी आए और उनके खान पान का हिस्सा भी बने। अहम बात यह है कि मिलेट हर प्रकार की मिट्टी में उगता है और पानी अगर कम भी है तो भी वो अपनी सेवा करना छोड़ता नहीं है, यानी भारत के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। हम पूरी दुनिया के लिए मिलेट का उत्पादन कर सकते हैं, इसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ब्रांड के रूप में भारत का नाम भी होगा, मानवता की सेवा भी होगी और किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। भाई और बहनों, आयुष का एक और पहलू है जिस पर हमें और गंभीरता से काम करने की जरूरत है। भारत में मेडिकल टूरिज्म निरंतर बढ़ रहा है लेकिन अभी भी इसमें बहुत अधिक संभावनाएं पड़ी हुई है। मेडिकल और मेडिटेशन, इसके लिए जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको राज्य सरकारों की मदद से तैयार किया जा रहा है। आप हैरान होंगे, दुनिया के 5-स्टार होटल्स में अगर जिम है तो बगल में योगा रूम भी बन गए हैं। बदलाव शुरू हुआ है। एयरपोर्ट के जो वीआईपी लॉन्ज होते हैं उसके साथ योगा रूम आजकल बन रहे हैं। हम किस प्रकार से चीजों को ले जाते हैं इस पर डिपेंड करता है। मेरा आयुष मंत्रालय से विशेष आग्रह रहेगा कि अलग अलग मंत्रालयों और विभागों से इस बारे में संपर्क करते रहें। मेडिकल टूरिज्म को हमें देश के हर हिस्से में ले जाना है, विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट में इसके लिए बहुत संभावनाएं हैं। साथियों, ये तमाम प्रयास जब हम सामूहिक रूप से करेंगे तो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से 21वीं सदी के भारत की, नए भारत की सेहत भी बनेगी और समृद्धि भी आएगी। अब मैं फिर एक बार सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप देश और दुनिया को फिट बनाए रखने के लिए ऐसे ही काम करते रहें, इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।